सुपरस्टार पवन और खेसारी जब भी किसी मौके पर एक साथ आते हैं, वो मौका अपने आप ही किसी महापर्व से कम नहीं होता। हाँ, ये बात और है कि अगर छठ के महापर्व में ये दोनों एक साथ आते हैं तब ये मौका कुछ ज्यादा ही खास हो जाता है। लेकिन आज हम आपको इसके पीछे की कहानी बताने वाले हैं, वो सच जो हमेशा अनसुना और लोगों के नजरों से छुपा रह जाता है, हम उसी सच को ज्यादातर टटोलते हैं। आपको बता दे कि पवन खेसारी भले ही एक साथ आए हों, लेकिन यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि इस शो में खेसारी लाल और पवन के अलावा दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे और भोजपुरी की ऑलराउंडर हीरोइन अक्षरा सिंह भी थी। जी हाँ, अब अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के साथ ज्यादा नजर आती हैं और अक्षरा सिंह की जोड़ी भी आजकल खेसारी लाल यादव के साथ ज्यादा पसंद की जाती है। लेकिन बड़ा ही ऑड मोमेंट होता है जब आपका पास्ट और प्रेजेंट आमने सामने हो और आप की सिचुएशन बड़ी ही अब नॉर्मल हो जाती है। यही कुछ हुआ भोजपुरी की ऑलराउंडर हीरोइन अक्षरा सिंह जब छठ महापर्व के मौके पर भोजपुरी के चैनल बिग गंगा ने एक प्रोग्राम आयोजित किया और उस प्रोग्राम में पवन खेसारी, निरहुआ आम्रपाली के अलावा अक्षरा सिंह भी अपनी परफॉर्मेंस देती नजर आई। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मौके पर पवन सिंह के सामने होने पर भी अक्षरा सिंह ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अक्षरा सिंह जिन्हें भोजपुरी की सबसे प्रोफेशनलिस्ट एक्ट्रेस कहा जाता है, उन्होंने पवन सिंह को पूरी तरह से इग्नोर किया। जी हाँ, यहाँ पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने दोनों परफॉर्मेंस की, लेकिन बारी बारी से। वहीं अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव की कंपनी एंजॉय करती नजर आई, लेकिन पवन सिंह को घास तक नहीं डाली। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।